वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, और ये आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है फाइल एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन होता क्या है? जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हैं, उदाहरण के तौर पर हम MS Word को ही ओपन कर लीजिए। तो MS Word में आप एक फाइल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए उस फाइल का नाम दिए आपने Document 1। ठीक है, क्या नाम दिए? Document 1। अब ये Document 1 है, अब इसका मतलब ये है कि MS Word में बनाई गई है। कैसे पता चलेगा? अब इसी प्रकार के नाम की फाइल हम बना लेते हैं किस में? वर्डपेड में। तो जब आप वर्डपेड में बनाएंगे उसका नाम भी क्या होता है? Document 1 होता है। तो कैसे पहचान की जाएगी कि वो Document 1 जो है वर्डपेड की फाइल है या MS Word की फाइल है? तो देखिए, यहाँ पर जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में किसी भी फाइल को किस एप्लीकेशन में ओपन करना है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका नाम है, आपका नाम कुछ भी ABC कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ABC। अब ये जो नाम है, नाम के साइड में आपने देखा होगा सरनेम लगता है, वर्मा शर्मा जो भी है, बहुत सारे सरनेम लगते हैं। तो सरनेम क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उसमें से एक ही नाम के 2-3-4 है, तो कैसे पहचानेंगे उनको? उनको पहचानेंगे हम एक्सटेंशन के माध्यम से, यानी कि उनके सरनेम के माध्यम से। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी एक ही नाम की बहुत सारी फाइल होती है। अब वो फाइल किस प्रकार की है, किस एप्लीकेशन में बनाई गई है, तो उस एप्लीकेशन की पहचान के लिए हम यहाँ पर एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं। तो मतलब कंप्यूटर अपने जो है फाइल को मैनेज करने के लिए यहाँ पर एक्सटेंशन का प्रयोग करता है। तो आप एक्सटेंशन समझ गए होंगे। तो एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन जो होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक फाइल बनाया, आपने नोटपेड में क्या नाम से फाइल बनाया? आपने बनाया माय फाइल, और उसका एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेव होता है? डॉट के बाद TXT। तो TXT क्या होता है? TXT जो होता है टेक्स्ट फाइल, ये जो है इंडिकेट करता है कि एक प्रकार की क्या है? टेक्स्ट फाइल है। और जब भी हम एक्सटेंशन लिखते हैं तो एक्सटेंशन कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए हमने फाइल का नाम दिए, मतलब हमने दिए माय फाइल, तो माय फाइल दिए, डॉट लगाते हैं और फिर एक्सटेंशन लिखते हैं। तो डॉट लगा TXT लिख दिए, डॉट लगा के RTF लिख दिए, डॉट लगा के DOC लिख दिए। तो इस प्रकार से हम जो है एक्सटेंशन को मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सटेंशन फाइल होती है बहुत सारी होती है अलग अलग प्रकार से। तो एक्सटेंशन फाइल जो होती है मुख्य रूप से हम देखें तो पहला होती है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर होता क्या है? जैसे मान लीजिए MS Word, तो MS Word में जो है टेक्स्ट से रिलेटेड यानी कि वर्ड से रिलेटेड काम किया जाता है। उसमें टाइपिंग की जाती है, एडिटिंग की जाती है, प्रिंटिंग की जाती है, सेव किया जाता है और फॉर्मेटिंग की जाती है। तो इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग बोलेंगे। और उसी से रिलेटेड कुछ फाइल होती है जो हम देखने वाले हैं वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत। तो पहला आपको देखने को मिलेगी, यहाँ हम देख सकते हैं पहली जो फाइल है हमारी, कौन सी फाइल है ये आप देख सकते हैं, DOC या DOCX। अब इनका मतलब समझ लेते हैं। तो DOC फाइल क्या होती है? तो जैसे मान लीजिए आप देखिए 2003 MS Office 2003 में अगर वर्क करते हैं, 2003 तक की जो फाइल का एक्सटेंशन था .DOC था, परंतु 2007 के बाद अगर देखेंगे आप तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या हो गया है? DOCX। देखिए कायदे से जो फाइल होती है, एक्सटेंशन होता है, वो एक्सटेंशन क्या होता है? तीन अंकों का होता है। तीन अंक यानी कि .txt हो सकता है, .rtf हो सकता है, कभी कभी .ac ऐसा, मतलब डॉट जो है दो अंक वाला भी हो सकता है, कभी कभी चार अंक वाला भी हो सकता है। तो जैसे हमने देखिए .docx, तो आगे हम देखिए ज़्यादातर आपको तीन अंक वाला ही देखने को मिलेगा, क्योंकि डॉट के बाद कितने अंक मिलेंगे? तीन मिलेंगे। तो यहाँ हम देख सकते, देखिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे देखिए ODT। ODT जो होता है ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन होता है, ये आपने समझ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है। फिर PDF जो होता है, PDF फाइल होती है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है PDF का? इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ये जो होता है इसका एक्सटेंशन होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल इसका एक्सटेंशन होता है, किसका? PDF का, ये आप देख सकते हैं। फिर RTF होता है, RTF जो होता है आप देख सकते हैं, देखिए ये जो होता है RTF किसका एक्सटेंशन होता है? ये जो होता है जो हम वर्डपेड में जो फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन होता है। फिर देखते हैं TXT, तो TXT जो होता है नोटपेड की फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो आप ये याद रखते चलिए, देखिए ये वर्डपेड का है, ये नोटपेड का है, ठीक है, और जो DOC है वो किसका है? वो MS Word का है, ये आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं स्प्रेडशीट की। तो स्प्रेडशीट का मतलब होता है जैसे आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आप वर्कशीट में काम करोगे, तो उस वर्कशीट को ही हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पहला जो है ODS यानी कि ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट फाइल है। तो ये जो है ओपन ऑफिस से रिलेटेड है,
और उसके अलावा हम देखें तो यहाँ देखिए एक्सेल एस दिख रहा है, तो एक्सेल एस जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब इसमें भी दो चीज़ मिलेगी आपको, एक्सेल एस एक्स देखने को मिलेगी और एक्सेल एस देखने को मिलेगी। तो एक्सेल एस एक्स जो है 2003 तक के जो वर्ज़न आए थे एक्सेल के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उसके अंतर्गत जो भी फाइल बनती थी उसमें एक्स नहीं लगा रहता था। और एडवांस वाले यानी कि 2007 के बाद जितने भी आ रहे हैं 2010, 2013, 2016, 2019, उसमें आप एक्सटेंशन देखने को मिलेगा एक्स लग जाता है, यानी कि जैसे डीओसी था तो डीओसी में एक्स लग गया। अगर आप पावर पॉइंट का देखोगे .ppt तो ppt एक्स लग जाएगा, अगर आप एक्सेल का देखोगे तो xls एक्स लग जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं एडवांस वर्जन के लिए। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो फाइल होती है वो हम देख सकते हैं, पहली जो होती है .key यानी कि की नोट प्रेजेंटेशन। तो ये देख सकते हैं आप, देखिए जो एप्पल होते हैं, एप्पल की जो डिवाइस होती है उनके अंतर्गत मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो आईपैड आते हैं एप्पल के, उसके अंतर्गत जो की नोट जो होता है पावर पॉइंट जैसा ही एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका एक्सटेंशन हमको देखने मिलेगा की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड ही है, पीपीटी जो होता है 2003 तक के जितने भी वर्जन आए थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उसके अंतर्गत पावर पॉइंट का एक्सटेंशन था। और यहाँ जो है 2007 से लेकर लेटर यानी कि 2013, 10 या 2019 जो भी है उनमें आप लोग देखने को मिलेगा क्या PPTX यानी कि MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है। आगे चलते हैं इमेज से रिलेटेड, तो इमेज यानी कि ग्राफिक्स, देखिए ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ एक्सटेंशन होते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम देखिए बहुत सारी फाइल्स उपयोग करते हैं, जैसे आप कैमरा से फ़ोटो खींचते हो, तो कैमरा से आप फ़ोटो खींचते हैं तो डायरेक्टली आपको जो है JPG फाइल देखने को मिलेगी, JPG, ठीक है। तो JPG होती है, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्राफिक्स होती है। तो उसी प्रकार और कुछ फाइल और होती है, जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर नाम की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन आपको .ai देखने को मिलेगी। देखिए दो अंक वाला देखने को मिलेगा, दो अंक वाला यहाँ देखने को मिल रहा है, ये जो AI है। फिर उसके बाद BMP बिटमैप फाइल, तो हालांकि जब हम पेंट ब्रश प्रयोग करते थे कौन सा वाला पुराने वर्जन वाला 2000 जो है विंडोज़ XP के आसपास के जो पेंट ब्रश थे उनमें हमको देखने को मिलेगा पेंट ब्रश में .bmp बिटमैप इमेज जिसको बोलते हैं हम, जो एक्सटेंशन है इमेज फाइल का। फिर GIF है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फाइल होती है, ये आप देख सकते हैं ग्राफिकल इंटरचेंज फाइल, ये भी इमेज का एक प्रकार है। और ये होती है एनिमेटेड इमेज जिसे बोलते हैं हम, एनिमेशन होता है इसमें। फिर IOC यानी कि आइकॉन फाइल, आप देख सकते हैं जब हम MS Word खोलते हैं तो उसमें W बना रहता है आइकॉन में, तो वो आइकॉन में जो ग्राफिक्स सेट होती है उसका एक्सटेंशन जो होता है ICO यानी कि आइकॉन फाइल होती है। JPG अभी बताया मैंने, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्राफिक्स ये जो होती है, या फिर उसको शॉर्ट में JPG भी बोलते हैं, तो ये पिक्चर फाइल होती है जो कि रास्टर इमेज को इंडिकेट करती है, यानी कि पिक्सल से मिलकर बनी होती है। PNG का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसका फुल फॉर्म होता है जो PNG उसका, तो ये भी एक प्रकार की पिक्चर फाइल है। PS ये भी दो अंक वाला है, यानी कि पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल होती है इमेज से रिलेटेड। PSD ये होती है जब हम फोटोशॉप में काम करते हैं तो फोटोशॉप की फाइल का एक्सटेंशन PSD होता है, और इसको बोलते हैं फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या होगा फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। SVG यानी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, वेक्टर यानी कि ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है, जैसे ये जो है लाइन्स या ग्राफिक जो भी सिम्बॉल्स इनसे मिलकर जो बनी होती है वो कहलाती है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स यानी कि SVG। फिर TIF या TIFF इसको बोलते हैं, देखिए TIFF फाइल होती है, ये भी इमेज से रिलेटेड होती है। तो ये सारी जो हो गई इमेज से रिलेटेड हो गई। अब देखते हैं हम इंटरनेट से रिलेटेड, तो इंटरनेट से रिलेटेड कुछ फाइल होती है जैसे कि वेब पेज से रिलेटेड होती है, तो हम देख सकते हैं पहला ASP है या ASPX है। तो ये जो होती है जैसे हम वेब पेज मतलब जो ASP.NET टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जब हम वेबसाइट बनाते हैं, क्या बनाते हैं वेबसाइट, तो उस वेबसाइट के प्रत्येक वेब पेज का जो एक्सटेंशन रहेगा वेब फॉर्म का उसको बोलते हैं हम ASP या फिर ASPX, ठीक है। ये आप ध्यान में रख सकते हैं, एक्टिव सर्वर पेज इसका फुल फॉर्म होता है। फिर CGI है या .pl है, इसको पर्ल स्क्रिप्ट फाइल होती है, ये भी इंटरनेट से रिलेटेड है। .css एक प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, यानी कि इसका फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। और ये जो होती है जैसे कि हम HTML वेब पेज बना रहे हैं तो HTML में ये फॉर्मेटिंग का जो सेट होता है उसको प्रदान करती है .css कैस्केडिंग स्टाइल सी। .html या HTML जो होता है ये वेब पेज की फाइल का एक्सटेंशन होता है, जब हम HTML में वेब पेज बनाते हैं तो उसकी फाइल को हम सेव करते हैं .html या HTML के माध्यम से। इसके बाद JS होता है, जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। JSP जावा सर्वर पेज फाइल होती है। PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि पर्सनल होम पेज होता है इसका फुल फॉर्म, और ये PHP
जो लैंग्वेज उसका एक्सटेंशन होता है, डॉट पी वाई पाइथन जो लैंग्वेज है उसका एक्सटेंशन है, और एक्स एस टी एम एल जो होती है ये भी प्रकार से वेब पेज से रिलेटेड फाइल है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग फाइल से रिलेटेड कुछ एक्सटेंशन हमको देखने को मिलेंगे। तो प्रोग्रामिंग मतलब होता है जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके अंतर्गत जो फाइल सेव होती है उसके एक्सटेंशन। तो डॉट सी, डॉट सी जो है वो सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस दोनों की जो सोर्स फाइल होती है उसको डॉट सी एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। फिर उसके बाद डॉट क्लास होती है, तो जावा एक लैंग्वेज है तो जावा के अंतर्गत जितने भी जो क्लास बनाई जाती है उस क्लास को डॉट क्लास के नाम से सेव किया जाता है। डॉट सी पी पी ये सी प्लस प्लस जो सो फाइल मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी फाइल का एक्सटेंशन है, और डॉट सी एस है सी शार्प जो विजुअल सी शार्प है उसका सोर्स कोड का फाइल का नाम मतलब उसका एक्सटेंशन डॉट सी एस होता है। डॉट एच मतलब जो होता है जैसे हम प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं तो हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है डॉट एच होता है, ठीक है। तो सी सी प्लस प्लस ये जो है सभी के अंतर्गत हेडर फाइल का एक्सटेंशन डॉट एच। डॉट जावा ये जावा सोर्स कोड फाइल का एक्सटेंशन होता है। डॉट बी बी जो होता है विजुअल बेसिक जो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका एक्सटेंशन होता है। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम से रिलेटेड कुछ फाइल है इनको देख लेते हैं हम फटाफट। डॉट बैक होती है, जैसे बैकअप हम लेते हैं, बैकअप मतलब हम जब डाटा हमारा डिलीट ना हो जाए इस डर से हम बैकअप लेते हैं तो उस बैकअप फाइल का एक्सटेंशन डॉट बैक होता है, BAK होता है। डॉट सी एफ जी यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है सिस्टम के अंतर्गत जो भी होते हैं। DLL यानी कि डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी इसका फुल फॉर्म होता है, और ये सिस्टम से रिलेटेड फाइल होती है। ICO हम देखे हैं तो ICO यानी कि आइकॉन फाइल होती है। डॉट INI इनिशियलाइज करने वाली जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है। इंक मतलब विंडोज शॉर्टकट जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन। MSI यानी विंडोज इंस्टॉलर पैकेज होता है। डॉट MSI सेटअप नाम से भी आते होंगे आप देख सकते हैं, कोई डोंगल का सेटअप या जो भी होता है। डॉट sys यानी कि ये विंडोज सिस्टम फाइल है। और .tmp यानी टेम्परेरी फाइल, जब हम काम करते हैं तो हमारी बहुत सारी टेम्परेरी फाइल बन जाती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है .tmp होता है। फिर कुछ वीडियो फाइल होती है जिसके अंतर्गत आप जानते ही होंगे 3GP जो था वो तो आता था 3GP P2 मल्टीमीडिया फाइल या 3. ये हम देख सकते हैं, इसको इस प्रकार बोल सकते हैं .3G2 यहाँ हम देख सकते हैं। और 3GP यानी कि 3GP मल्टीमीडिया फाइल था। और AVI आप देख सकते हैं, AVI फाइल है, ये वीडियो फाइल है। फ्लैश प्लेयर की जो फाइल है FLV आती थी, एडोब फ्लैश फाइल बोलते हैं इसे। M4V यानी कि एप्पल की जो डिवाइस है उससे रिलेटेड MP4 जो वीडियो होते हैं उसका M4V होता है। MP4 आप समझ सकते हैं, MP4 जो वीडियो आप डाउनलोड करते हैं अभी यूट्यूब से या कहीं से भी, तो MPEG4 ये वीडियो इसका फुल फॉर्म होता है। फिर MPG और MPEG मतलब जो होता है MPG वीडियो फाइल ही होता है। और .WMB जब आप विंडोज़ मीडिया के अंतर्गत जो फाइल चलाते हैं विंडोज़ मीडिया के अंतर्गत वीडियो फाइल उसका एक्सटेंशन होता है। कुछ आइडियो से रिलेटेड देख लेते हैं, तो CDA यानी कि CD आइडियो ट्रैक फाइल इसे बोलते हैं। MIDI ये साउंड फाइल होती है। MP3 आप सुनते ही होंगे तो MP3 आइडियो फाइल होती है। MPEG2 आइडियो फाइल बोलते इसे। और वेब मतलब वेब आइडियो फाइल है। WMA आइडियो फाइल है। और WPL यानी कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर की जो प्लेलिस्ट है उसकी एक्सटेंशन होती है। फिर कंप्रेस्ड फाइल, जैसे मान लीजिए 25 MB का आपका डाटा है जीमेल में आता है, पर 25 पूरा आता है कि नहीं, ये लगभग 22-21 के आसपास आता है। तो आप इस डाटा को कंप्रेस करके छोटा करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ कंप्रेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे। उन सॉफ्टवेयर से जो फाइल का एक्सटेंशन बनता है उसको बोलते हैं कंप्रेस फाइल एक्सटेंशन। तो यहाँ देखिए एक सॉफ्टवेयर आता है मतलब 7-Zip कंप्रेस फाइल नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है 7Z। और यहाँ .pkg पैकेज फाइल होती है। binrar नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है .rar। और binzip नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है .zip होता है। फिर कुछ देख लेते हैं डिस्क और मीडिया से रिलेटेड है। तो देखिए .bin जो होता है बाइनरी डिस्क इमेज होती है, बाइनरी फाइल इसे बोलते हैं। ISO जो नैरो के अंतर्गत हम जो फाइल बनाते हैं CD DVD की, वो ISO डिस्क इमेज बोलते हैं। और VCD वर्चुअल CD होती है। फिर डेटा एंड डेटाबेस से रिलेटेड होती है, तो डेटा से रिलेटेड जैसे CSV है, एक्सेल के अंतर्गत हम इस फाइल को खोल लेते हैं तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल इसे बोलते हैं, डेटा से रिलेटेड है। .dat डैट फाइल यानी कि डेटा फाइल होती है। DB का फुल फॉर्म डेटाबेस होता है या DVF भी बोलते हैं उसको। .log फाइल होती है। MDB यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन .MDB होता है। अच्छा, MS एक्सेस 2003 तक का एक्सटेंशन था MDB, पर 2007 से अगर देखें हम तो यहाँ देखिए ACCDB
यानी कि एक्सेस डेटाबेस इसका फुल फॉर्म हो गया है। तो .ACCDB इसका एक्सटेंशन हो गया 2003 के बाद वाला, ठीक है, जितने भी आया है। .SQL SQL डेटाबेस फाइल होती है, XML XML फाइल होती है, ये सभी डेटा डेटाबेस से रिलेटेड है। कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, तो जैसे APK एंड्रॉयड पैकेज फाइल होती है, एंड्रॉयड में जो हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसकी एक्सटेंशन होती है। .batch बैच फाइल होती है, बिन अपन ने देख लिया अभी, बाइनरी फाइल्स होती है। .com ये कमांड MS-DOS की जो कमांड फाइल है उसका एक्सटेंशन। .exe जब भी आप कोई सेटअप मतलब कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो वो एप्लीकेशन नाम से ऐसा प्रदर्शित होता है, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .exe होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, इसी से इंस्टॉल होता है। .jar जावा आर्काइव फाइल होती है, और .wsf यानी विंडोज स्क्रिप्ट फाइल होती है। फिर देख लेते हैं हम कुछ शॉर्टकट जो होती है, कुछ फाइल होती है जो फॉन्ट से रिलेटेड होती है। तो .fnt यानी कि विंडोज़ फॉन्ट फाइल होती है, .fon यानी कि fon जेनरिक फॉन्ट फाइल होती है, .otf यानी कि ओपन टाइप सिस्टम फॉन्ट फाइल होती है, और .ttf यानी कि ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल होती है। तो ये जो है हमने बहुत सारे देखे हैं, कौन कौन से फॉन्ट से रिलेटेड देख लिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल देख लिए, डेटा और डेटाबेस से रिलेटेड, डिस्क और मीडिया से रिलेटेड, कंप्रेस्ड आइडियो, इसके अलावा हमने देखे वीडियो, वीडियो के अलावा हमने देखे सिस्टम रिलेटेड, फिर देखे हमने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, फिर इंटरनेट से, इमेज से रिलेटेड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसर। तो ये सारे एक्सटेंशन हमने देखे हैं, यहाँ सारे एक्सटेंशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं जितने भी है। इसके अलावा कुछ और रहते हैं तो वो हमारे लिए अभी ज़्यादा काम के नहीं हैं, तो ये लेक्चर यहीं रोक देते हैं, इतने बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।